Now, class student, you can see right now system software. तो system software किसको कहते हैं? मैंने उस time में थोड़ा सा बोल के आया हूँ, यहाँ पे भी बोल देता हूँ. System software helps to manage and run different parts of a computer. System software क्या करता है? Helps to manage and run different parts of a computer. Computer का हर एक different मतलब हर एक parts को देखता है और उसको रन कराता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सबको मिला के, सीपीयू सबको मिला के काम करता है, राइट? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा लाइफ है, तो आँख भी चलेगा, कान भी सुन पाएगा, मुंह से बोल भी पाएंगे, पैर से चल भी पाएंगे, सब कुछ करेगा सिस्टम, ठीक है? एक कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता है. जैसे कि हम लोग लाइफ के बगैर हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे कि हम लोग हमारे मेरे लाइफ बोलते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, मतलब जीवन बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, दिस इज विंडोज 10 सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो विंडोज 10 का लोगो है. तो विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वॉज डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. इसको किस कंपनी ने तैयार किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है. नाउ नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर काम. एमएस पेंट, एमएस ऑफिस, नोट पैड, विंडोज मीडिया प्लेयर आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? मैं भी बहुत कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ. यूट्यूब ऑल्सो एन एप्लीकेशन इन नेट, इन द इंटरनेट, राइट? यूट्यूब का सहारा लेकर तुम्हारे पास ये वीडियो जा रहा है, राइट? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. एप्लीकेशन क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए है. जैसे कि आँख से देखना स्पेसिफिक काम, अगर ह्यूमन से हम लोग हमारे से तुलना करें तो, ठीक है? तो मुंह से बोलना, आँख से देखना, कान से सुनना, नोज से मतलब नाक से सांस लेना और छोड़ना, ये सब काम स्पेसिफिक काम है. एक काम दूसरा नहीं कर सकता है, राइट? तो एमएस पेंट, एमएस ऑफिस, नोट पैड, ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है. विंडोज मीडिया प्लेयर आर एग्जांपल ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दे दिया गया है, ठीक है? नाउ क्विक रिकैप. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका छोटा करके छोटा सा संस्करण, राइट? मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ऑल द थिंग्स ब्रीफ इन ब्रीफ. तो क्विक रिकैप में हम लोग क्या देख रहे हैं? डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. तो डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर होता है कंप्यूटर में कैसे? यूजिंग इनपुट डिवाइसेस से इंटर होता है. टू, डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग डिवाइस. डेटा क्या करता है? प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा एंड इज प्रेजेंटेड टू द यूजर यूजिंग द आउटपुट डिवाइस. और इसको प्रेजेंट किया जाता है यूजर को आउटपुट डिवाइस के साथ, ठीक है? आउटपुट डिवाइस से इसको पेश किया जाता है, मतलब प्रेजेंट किया जाता है यूजर के पास. द सीपीयू हैज थ्री मेन पार्ट्स. सीपीयू के कितना मेन पार्ट्स है? थ्री. एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU एंड द रजिस्टर और मेमोरी यूनिट, ठीक है? एंड द रजिस्टर और MU मेमोरी यूनिट, ठीक है? ये तीनों नाम है सीपीयू का, तीनों पार्ट्स का नाम. तो ए कंप्यूटर, फोर्थ पॉइंट, ए कंप्यूटर यूजेस इंटरनल मेमोरी. कंप्यूटर कौन सा मेमोरी इस्तेमाल करता है? मेनली इंटरनल मेमोरी, रजिस्टर और मेमोरी यूनिट. टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पोरिली. डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पोरिली स्टोर करके रखने के लिए, कुछ देर के लिए रखने के लिए, ठीक है? कंप्यूटर यूज इंटरनल मेमोरी और रजिस्टर. इंटरनल मेमोरी मतलब रजिस्टर और मेमोरी यूनिट. नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव्स. हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव्स आर पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस. पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली. तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, ये परमानेंटली स्टोर हो रहा है यहाँ पर मेरे पास में, हार्ड डिस्क में, राइट? हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर करने के लिए डेटा को,
मतलब बहुत सालों के लिए, बहुत दिन के लिए स्टोर न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 6 पॉइंट, ए कंप्यूटर नीड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क। कंप्यूटर क्या नीड करता है? कंप्यूटर का नीड है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर कंप्यूटर काम करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट 7, हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी। हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर इंक्लूड, हार्डवेयर क्या बोला जाता है? हार्डवेयर इंक्लूड्स, हार्डवेयर उस चीज़ को मिला के चलता है, द फिजिकल पार्ट्स। हार्डवेयर में इंक्लूड्स फिजिकल पार्ट्स, हार्डवेयर में क्या क्या इंक्लूड है, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कुछ लिखना होता है, उसको बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम लोग जो बोलते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, उसको टोटल मिलाकर बोला जाता है प्रोग्राम, जो हेल्प करता है वेरियस टास्क, बहुत सारे टास्क, मतलब बहुत अलग अलग टास्क काम करने के लिए ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। द लास्ट पॉइंट, द सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।